बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे मुल्क की इंफॉर्मेशन टीम आपके साथ है। हमारे सदर हैं चारों सूबों के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज, मैं आपको तारुफ कराऊंगी जब जब वो बात करेंगे, वो सब इधर मौजूद हैं। हमारे एमएनए, फॉर्मर एमएनए हैं इनायत शाह साहब, हसन मुर्तजा साहब, रुबीना बीबी, सरदार साहब, गौहर इनकलाबी साहब, नवाबजादा साहब, बैरिस्टर साहब एंड नरगिस साहिबा, हम सब आपके और आजिज हमारे आज के मेज़बान हैं। हम बहुत मशकूर हैं यहाँ की टीम की, प्रेस क्लब की टीम की, बिलखसूस जफर साहब और मुर्तजा साहब जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, कि इस तारीखी प्रेस क्लब जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने हाथ से बनवाया, आपने आज हमारी मेज़बानी की, बहुत शुक्रिया। हम इधर हाजिर हुए हैं आपसे मिलने, और फिर कल जो एक तारीखी दिन है, हर साल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ़ख्रे एशिया और इस मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जमहूरियत के लिए जो एक उन्होंने अलम उठाया था, अवामी सियासत का अलम जो उन्होंने उठाया था, उनकी अलमबरदार इस मुल्क की बेटी जो एक बहुत ही अफसोसनाक हादसे में 13 साल पहले शहीद हुई थी। हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन और जो इस मुल्क में अवाम की हुकुमरानी चाहता है वो तबका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने आता है बहुत बड़ी तादाद में। कल एक नई तारीख इसलिए रकम होगी कि वैसे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस मकाम पे मैं बैठी हूँ उससे कुछ चंद मिनट दूर नौदेरों के पास कड़ी खुदा बख्श, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का सियासी किबला है, लेकिन कल एक नई तारीख रकम होने जा रही है क्योंकि वो जनरली पाकिस्तान की सियासत का मरकज बनेगा। जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत जो 11 जमातों का कट है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को और इफ़ेक्टिव बनाने, उस एजेंडा को आगे लेके जाने, उन 26 नुकात जिससे अवाम की हकीकी जमहूरियत और आइनी राज कायम होगा, उस मकसद के लिए पीडीएम की क़यादत कल लाड़काना में होगी, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में होगी, नौदेरों के करीब गड़ी खुदा बख्श आएगी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मेज़बानी में वो वहाँ खिताब करेंगे और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी खराज अकीदत पेश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जितनी शिद्दत से पीडीएम अपना एजेंडा आगे लेके जा रहा है, हमारे जितने भी हमने जहां जहां रैलियों का, जहां जहां जलसों का ऐलान किया, उसी तरीके से वो रैलियां, वो जलसे मुनक्कद हुए। बहुत हथकंडों के बावजूद, रियासती दहशतगर्दी के बावजूद, कारकुनों को अरेस्ट और कारकुनों को टॉर्चर देने के बावजूद, ये प्रोग्राम्स अपने मुकर्रा वक्त और मुकर्रा जगहों पर हुए। अब हमारी तैयारी जनवरी के माह में हमारी तैयारी होगी लॉन्ग मार्च की, और ये रैलियों का सिलसिला जो है पीडीएम का वो आगे बढ़ रहा है। हाल ही में मर्दान में ये हुआ, अब पूरे मुल्क में ये रैलियों के और जलसों के और अवाम से राब्तों के मुहिम जो है 27 दिसंबर के बाद ये मुहिम जारी होगी और हमारी तैयारी होगी कि हम इस हुकूमत का खात्मा करें। चंद दिन पहले जो हम शुरू से कहते आ रहे थे कि ये हुकूमत और कठपुतली वज़ीर आज़म ये सिलेक्टेड हैं, ये अंडर ट्रेनिंग है, इनके बस की बात नहीं है
कि ये इस मुल्क को आगे लेके चलें और इस मुल्क को चला सकें। आज खुद कठपुतली वजीर आजम, अंडर ट्रेनिंग वजीर आजम ने तस्लीम किया है कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूं। हम पहले ही कहते थे कि ये नाअहल हुकूमत है, इनसे काम नहीं चलेगा, और आज ये खुद मान रहे हैं कि ये नाअहल हैं, ये अंडर ट्रेनिंग है। हम ये कहते थे कि इनके इर्द गिर्द एटीएम्स जो हैं वो ये इनकी करप्शन का मरकज हैं। आज ये खुद ये मानते हैं कि हाँ जी आटे की जखीरा अंदोजी होती है, चीनी की जखीरा अंदोजी होती है। हम ये कहते थे कि इनसे मईशत नहीं संभल रही और आईएमएफ के हवाले से इनके फैसले जो भी हैं उनका वक्त वो दुरुस्त नहीं है। आज ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी हमसे गलतियां हुई हैं, हम आईएमएफ जो है उसमें हम लेट गए हैं। हम ये कहते थे कि ये एमनेस्टी लेकर खुद, अगर वजीर आजम खुद एमनेस्टी ले, एमनेस्टी कौन लेता है? बकौल खान साहब, एमनेस्टी वो लेता है जो चोर हो, जो डाकू हो, जिसने अपने असासे छुपाए हो, जो एफबीआर से चोर दरवाजे के तहत अपने असासे छुपाते हो। इन्होंने एमनेस्टियां भी ली, गैर कानूनी तजावजात भी बनाई, और आज जब आप रिकॉर्ड अपना सबमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो पता चलता है कि आपने 12 लाख का जुर्माना दिया है, जिससे आपके तजावजात बनी गला में आपके रेगुलराइज हुए हैं। तो ये हुकूमत नहीं चल रही, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये खुद तस्लीम करेंगे कि इन्होंने मुल्क का पहिया जाम किया है, और इंशाल्लाह ये जल्द ही इस्तीफे देंगे। हम सब इस तैयारी में हैं कि हमारे कारकुन भी तैयार हैं। रोज हमसे पूछते हैं कि हमें बताएं हम कब इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। तो पूरे मुल्क के कारकुन, पीडीएम के कारकुन तैयार हैं। हम सब इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे 27 तारीख के बाद। तैयारियां होंगी और इस्लामाबाद में हम जाएंगे और हम मजबूर करेंगे कि ये हुकूमत जिसने इस मुल्क के आम आदमी, आम हमारी बहनों भाइयों का जीना जीरन किया है, इस हुकूमत का खात्मा हो। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आजिज भाई, अगर आप कुछ बोलना चाहें, हसन भाई आप कुछ बोलना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शहीदों की सरजमीन पे हम सब मौजूद हैं और कल जो है एक बहुत तारीखी दिन है। हमेशा से हमारे लिए 27 दिसंबर का दिन एक तारीखी अहमियत रखता है बीबी की शहादत के हवाले से, लेकिन ये कल का दिन एक तारीखी हैसियत इसलिए रखता है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि ये जमहूरियत की फतह का दिन भी है। कल आप देखेंगे कि सारी पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद जमातें जितनी हैं वो शहीद बीबी के मज़ार पे आके इस बात का तजदीद अहद करेंगी कि वो जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की इस मुल्क में हुक्मरानी के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह ताला कल का दिन जो है वो बीबी शहीद की सोच की फतह का दिन है। वो बीबी शहीद की सोच जो वो कहती थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो वो कल का दिन जो है ये हमें याद दिलाएगा और ये बात कंफर्म करेगा कि वाकई ये जमहूरियत जो है वो सब चीजों का हल है। इंट्रोडक्शन आप जानते होंगे इनके, आपने स्पीचेस वायरल। बहुत शुक्रिया जी। मैं पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर हूँ पंजाब असेंबली में और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ सेंट्रल पंजाब से। सब दोस्तों को सलाम अर्ज करता हूं और बड़ा खुशी फील हो रही है कि आज मैं अपनी टीम के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूं और आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। और जैसे अदी ने भी कहा और रुबीना ने भी बात की कि ये शहीदों की सरजमीन है और कल का दिन जो है वो बीबी शहीद का दिन है, और मैं समझता हूं कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है और इसकी जिंदा मिसाल जो है वो हमारे सामने है। और मैं ये भी कहना ज़रूरी समझूंगा कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि हमारे सियासी इख्तलाफात होने के बावजूद, हमारे नज़रियाती इख्तलाफात होने के बावजूद, आज पाकिस्तान की सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी हैं और वो नौदेरो है। और आज
वो सारी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के विजन को, उनके नजरियात को और बीबी शहीद के विजन को खराज अकीदत पेश कर रही हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जमहूरियत की फतह है। और मैं सिलेक्टेड को भी ये अर्ज करूंगा कि आपने भी एक दिन अगर कोई सियासी कुव्वत बनना है तो आपको भी एक दिन ये करना पड़ेगा और आपको भी इधर आना पड़ेगा और आपको भी इन पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना पड़ेगा। मुल्क ऐसे नहीं चलते जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। मुल्क जो है वो नजरियात के साथ चलते हैं, मुल्क जो है वो विजन के साथ चलते हैं। कौमें जो हैं वो हादसों से नहीं बनती, हुकूमतें हादसों से बन सकती हैं, कौमें कभी हादसों से नहीं बनी। और क्यादतें भी जो हैं वो बनाने से नहीं बनती, यहाँ बनाने वाली क्यादतें काफ़ी आई। अयूब खान आया, उसने भी कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई, उसके बाद यहाँ काफ लीग भी बनी, उसके बाद ये पीटीआई भी उसी का तसलसल है मैं समझता हूँ। तो ये तसलसल जो है ये अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। हकीकी जमहूरियत का सूरज तलू होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह अवाम की होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। बहुत शुक्रिया। इंट्रोडक्शन भी कराएं, बात करें। अभी आप आ जाएं। सरदार साहब हैं। हाँ। जी सरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाड़काना प्रेस क्लब का मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया है कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं एमएनए हूँ और साउथ पंजाब से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटर और सूबों के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपके पास हाजिर हुए हैं और कुछ आपसे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3 साल पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि इसे ला तो रहे हैं मगर मुझे समझ नहीं आती कि ये शख्स आके करेगा क्या, जिसका ना पॉलिटिकल विजन है ना उसकी कोई सियासी सोच है, एक खिलाड़ी आके उसने क्या मुल्क चलाना है। और आपने देख लिया 2.5 साल बाद उसने खुद इकरार कर लिया कि उसने खुद कहा कि जनाब ना हमारे से ये मुल्क चलता है, ना हमारी कोई ट्रेनिंग थी और जो आए वो ट्रेनिंग लेकर आए। और वो सारी बातें उन्होंने हुई जो आसिफ जरदारी साहब ने जिस खदशे का इजहार किया था उन्होंने इकरार किया। और फिर एक बात और करता चलूं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इन्हें सिलेक्टेड का खिताब दिया था और वो भी आपने देख लिया कि इनके तमाम मामलात 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में जब इनसे सवाल किया गया कि महंगाई का, तो इन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, उन्होंने कहा जी लोग खुदकशियां कर रहे हैं, इन्होंने कहा मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा कि जनाब अवाम मजबूर है, इन्होंने कहा मैं क्या करूँ। तो बिलावल साहब की वो बात ठीक है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप मेहरबानी करें आप घर चले जाएं। जी मेरी गुजारिश आप थी सरदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार सरबुलंद खान जुगजी मेरा नाम है, मैं पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो हमें लाड़काना प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी और उनकी तमाम काबीना को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी। और उसके बाद आपको पता है कि आज यहाँ पे कल के लिए हम आए हैं मुल्तान की शहादत के सिलसिले में और हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारी मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नफीसा शाह साहिबा और उनके साथ हमारी सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यहाँ पे हम मौजूद उनके साथ। और सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी और जमहूरियत पे यकीन रखा और हमेशा जमहूरी इदारों का तसलसल को बरकरार रखने के लिए जदोजहद करती है। बहुत से लोग, बहुत से साफी हजरात अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो हो सकता है पीडीएम के साथ ना चले, तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी किसी भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनी है, चाहे एआरडी हो, चाहे एमआरडी हो और चाहे आज पीडीएम हो, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपने जगह पे खड़ी रहेगी। और उसमें लाजमी बात है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उसको
جمہوری نظام کے چلنے کے لیے وہ اپنا جدوجہد کرتے ہیں، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ایک ایسا دور ہے جو کہ مارشاء اللہ سے بدترین دور ہے، تو اس میں ہمارے جو جتنے بھی ترجمان ہیں وہ چاہے مرکزی سطح پہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا یا صوبائی سطح پہ ہو، ہمیں میڈیا سے بھی یہی توقع ہے، چاہے یہاں پہ موجود پرنٹ الیکٹرانک دونوں میڈیا سے، کہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے، کیونکہ ہماری بیانیہ سے جب وہ عوام تک پہنچیں گی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارے یہ الفاظ، یہ زبان، یہ تمام لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچ جائے. شکریہ، تھینک یو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان میں سے کون کون پارٹی کے لیڈرس آ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آ رہے، اس کے اسباب کیا ہے، پیچھے کوئی معاملہ ہے؟ میڈم، اسی سلسلے میں میں سوال کو آگے بڑھاؤں کہ ابھی اے آر وائی نے بریک کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بلاول صاحب سے ناراض ہیں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس جلسے میں نہیں آ رہے، اس پر آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں، 11 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، اور ان میں سے بیشتر جماعتیں جو ہیں وہ تقریباً سب جتنے بھی اس وقت جلسے ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی شیپ میں ان کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں یا وہ خود ان کی قیادتیں جو آئے ہیں. جو لاڑکانہ ہے اس میں ہمارے محترم فارمر پریزیڈنٹ اسف علی زرداری صاحب نے خود دعوت دی مولانا صاحب کو، مولانا صاحب کے اپنی کوئی انگیجمنٹ تھی، ہمیں جو اطلاع ہے وہ ان کا 5 ممبرز کا ڈیلیگیشن کل آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جب ڈیٹیلز آئیں گے، لیکن جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں وہ قیادت خود ہوگی یا ان کے ڈیلیگیشنز ہوں گے. دیکھیں، جب آپ کے پروگرامز اتنے زیادہ ہوں اور اتنی انٹینسٹی ان میں ہو تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں، جیسے مردان میں چیئرمین ہمارے نہیں پہنچ سکے، وہ کارکنوں کو اسلام آباد خطاب کر رہے تھے، اسی طریقے سے ہمارے چیئرمین کوئٹہ نہیں پہنچ سکے، تو کل اگر مولانا صاحب نہیں ہوں گے تو آگے ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارا جو ایک جو کٹ پتلی ہے اور جو سلیکٹڈ ہے ان کی ساری کی ساری نظر ان کو آٹا، گندم، چینی کی شارٹیجز جو ہیں وہ بھول گئے ہیں، مہنگائی ان کو بھول گئی ہے، ان کو صرف پی ڈی ایم سر پہ سوار ہے، اور اس قسم کے وہ بہانے ڈھونڈ کر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ڈفرینسز ہیں. ہمارے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں، ہم لوگ سب کٹھے ہوں گے، ہم لوگ ایک سٹیج پر ہوں گے، اور کل جو ہے ساری جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی، ان کی قیادت براہ راست ہوگی یا پھر ان کے ڈیلیگیٹس ہوں گے وہاں. پیپلز پارٹی جو ہے جو استعفاؤں والوں معاملہ ان سے متفق نہ رستے کا اگتے پیپلز پارٹی نہ دی سکتی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے، حالانکہ سب سے بڑا سٹیک ہمارا ہے، ہمارے پاس ایک منتخب سندھ حکومت ہے، اور اس سندھ حکومت میں بہت بڑی تعداد ہے پیپلز پارٹی کی، پہلے سے زیادہ نمبرز ہم لے کے آئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سٹیک ہے. اس کے باوجود سندھ کے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ادھر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، دو ایم پی ایز بیٹھی ہوئی ہیں، ہنا بی بی ہیں اور غزالہ بی بی ہیں، سب نے اور نصیبہ بی بی ایم این اے ہیں، سب نے اپنے اپنے استعفے 14 تاریخ سے پہلے پہلے بلاول ہاؤس جمع کرا دیے ہیں. اب یہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے اور اس میں 11 جماعتوں کے ممبران شامل ہیں، یہ فیصلہ مشترکہ کریں گے، یہ ہمارا آخری ہتھیار ہے، پہلا ہتھیار نہیں ہے، آخری ہتھیار ہے، اور ایسا یہ آخری ہتھیار اس وقت استعمال کرنا ہے جب کوئی ڈیسائسو، وہ اس وقت کریں جب اس کا ایک مقصد حاصل ہو. تو اس لیے یہ استعفے ہمارا ہتھیار ہے، ہمارا لاسٹ آپشن ہے، اور یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ اس آپشن کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے. اس سے پہلے جب تک پی ڈی ایم یہ فیصلہ نہیں کرتی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سیاسی میدان کوئی بھی خالی چھوڑے، یہ ہمارے پارٹی کے اصول کے خلاف ہے. اور میں سمجھتی ہوں پی ڈی ایم کی ہر جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے، اس کا سیاسی نظریہ ہے، ہمارے جنگ کا میدان سیاسی میدان ہے، وہ سینٹ کے الیکشن ہو، وہ مقامی الیکشن ہو، یا وہ ایم این ایز ایم پی ایز کے الیکشنز ہو، جب تک استعفوں کا فیصلہ نہیں ہوتا
कि वो कब और कैसे स्पीकर को मुंतकिल करने हैं। जब तक हमारा जो सियासी मैदान होगा, कोई मैदान, मैं नहीं समझती कि कोई भी सियासी जमात उसको खाली छोड़ेगी। मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, जफर भाई को मेरा ये सवाल है कि इस वक्त जो है इलेक्शन के हवाले से सदारती रेफरेंस दाखिल हुआ है, तो इससे पहले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मावादा अदालत जो है केस और रेफरेंस वो कोर्ट में पहले ही दाखिल हुआ है, तो उस पर अभी तक कोई ना वो केस चला है ना उस रेफरेंस में कोई बात हुई, तो पहले वो चलना चाहिए या सेनेट इलेक्शन वाला आप समझते हैं? देखें ये हम ये जरूर कहेंगे कि जमहूरी पसंद कुवतें हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हों, एक बहुत शदीद एहसास महरूमी है कि दो यहाँ खास करके लाड़काना में, लाड़काने के शहर वालों को ये एहसास महरूमियत है कि ना शहीद बीवी का इंसाफ मिल रहा है आला अदालतों से, न जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का हमें इंसाफ मिल रहा है। और यही आर्टिकल 186 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये रेफरेंस भेजी थी, इसको कई साल हो गए हैं, ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपना फैसला सुनाए। और यकीनन लोग कंपेयर करेंगे कि इस वक्त जो रेफरेंस भेजा गया है, हम समझते हैं कि ये मैंडेट अगर सेनेट के इंतखाबात के तरीकेकार में तरमीम लेके आनी है तो वो इस्तेहकाक सेनेट का और नेशनल असेंबली का या पार्लियामान का है, ये इस्तेहकाक सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट में, ये उनके कोर्ट में ये बॉल फेंकना, ये मैं समझती हूँ कि आप अपनी कमजोरी और ये कठपुतली हुकूमत जो है ये बिल्कुल एक तरीकेकार जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है कि आप अपने अख्तियार जो हैं क्योंकि आप नाअहल हैं आप किसी और को दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ते पर एक तारीखी खाल है हमारे जमहूरी बाब में, जमहूरियत के बाब में, कि हमें ये फैसला सुनना है जहां हर जज ने रिटायरमेंट के बाद ये माना है कि अदालती कत्ल है, तो ऑफिशियली हम ये हमारे कारकुन इस जदोजहद में है ये हम सुनना चाहते हैं कि ये वाकई अदालती कत्ल है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो साथ हुआ है वो भी आपके सामने है कि जो केसेस हैं वो कोर्ट्स में हैं, क्यों नहीं सुनना जाता, क्यों लोग आया दिन बेल पर रिहा हो जाते हैं, क्यों हमें बार बार अपील्स में जाना पड़ता है, हर पहलू शहीद बीबी के केस के हर पहलू के ऊपर पीपल्स पार्टी के कारकुन हमारे वकला अपील में है, लेकिन कोर्ट्स क्यों नहीं सुन रही और क्यों बार बार जो जो मुल्जिम है वो बेल पर निकल आते हैं। तो ये बहुत अहम आपका नुक्ता है और इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर कल जब गड़ी खुदा बख्श में लीडरान बात करेंगे तो इस नुक्ते को जरूर उठाएंगे। अच्छा मैडम, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो गद्दारी साहब ने कहा है कि कुछ कुवतें मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो कौन सी कुवतें हैं जो पार्टी चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रही है, आप कौन को बताएंगी? वही कुवतें जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिस वक्त जमहूरियत इस मुल्क में उन्होंने बहाल की, आइन दिया, जो कुवतें उनसे लड़ी वही कुवतें शहीद बीबी से लड़ी, वही कुवतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम हो उनसे लड़ रही हैं। मेरा सवाल ये है कि एतजाज हसन ने कहा है कि अगर इस्तीफे दिए जाएंगे तो आईनी तौर पर गवर्नमेंट नहीं गिराई जा सकती, तो सीसी का जो इजलास है जो लाड़काना में हमेशा होता है हर साल, इस दफा जो है कराची में 29 तारीख को रखा है, तो क्या आप समझती हैं कि ये इस्तीफे दिए जाएंगे या जो सेनेट का इलेक्शन है उसके बाद इस्तीफे की तरीका कार होगा? देखिए ये भी फैसला सीसी करेगी, ये भी फैसला पीडीएम करेगी, कानूनी माहिर अपने आरा देते हैं। एतजाज साहब का एक बहुत तवील उनका एक्सपीरियंस है बहैसियत वकील, उनकी उनकी राय है, यकीनन ये राय भी सीसी में भी डिस्कस होगी, लेकिन ये फैसले जो है ये पीडीएम के हवाले है और हमारी सीसी के हवाले से। अच्छा था गवर्नमेंट धमकी पीडीएम या हवा में कदें ईंदा आहिनि त कॾहिं वेंदा आहिनि, त हाणे उहो ॾिसंदासीं जेॾी महिल उन्हनि हे वेंदा ई ईंदे वापसि अचण जे लाइ आहिनि। माज़ी में त इहो ई रिकॉर्ड हुआ त नाराज़गी थींदी आहे वरी ठही वेंदा आहिनि, त थी थो सघे कुझु
مسائل ہیں انٹرنل نہیں رپڑو نہیں رپڑو نہیں رپڑو سر ادھی سمجھو سوال یہ ہے مولانا فضل الرحمان کے پانچ نہیں مانن جو کو سلیکٹڈ چوا ان کا پو جو کو پانی جو کہ چار پارٹی اگوا ان کے پارٹی نے کر دی ہے نے اثر سر کا پی ڈی ایم کے اندر دیکھو سو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قوتیں ہیں جو پی ڈی ایم کے مقاصد کے ساتھ وہ اتنے خائف ہیں ان سے کہ وہ پارٹی کے انٹرنل سندھ میں کیا سازش ہوئی آپ نے دیکھا کہ جب سندھ میں وہ سازش ہوئی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی سازش کی گئی تو اسی طریقے سے یہ مختلف انٹرنل پارٹیز کے اندر یا پھر اکراس پارٹیز یہ کوششیں ہیں کہ پارٹیز میں اور پی ڈی ایم کے مقاصد کو کیسے روکا جائے اور یہ مختلف حربے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پارٹیز انڈیویجول سے بہت بڑی ہیں اگر چند لوگوں نے شکایت کی ہے ہم ہر کسی کی انٹرنل پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں پارٹی کنونشنز ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہاں شکایتیں کر کے اور ان کے ازالے کیے جائیں لیکن اگر وہ باہر نکلے ہیں تو مولانا صاحب جو ہیں وہ یقیناً انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہوگا اور ایکشن کیا ہوگا لیکن پی ڈی ایم کے ایجنڈا پر پی ڈی ایم کے مقاصد پر پی ڈی ایم کی مہم پر کوئی استعفے کوئی شکایتیں اثر انداز نہیں ہوں گی میڈم میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ملکی لیول پہ جو پی ڈی ایم یا پھر جو ہے وہ حکومت جو بیٹھی ہے ان کے معاملات ہوتے ہیں دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ اب جو لڑکن ہے یہاں پہ ہے ابھی جو ہے نا ہیلتھ کے معاملات ہیں یا پھر ہمارے یہاں 30 لائف اسٹاک جو ہے یہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک بہت اہم ہوتا ہے تو یہ اب لائف اسٹاک کی 30 اسپتال ہیں وہ بند پڑی ہیں تو انتظامی معاملات کے حوالے سے سندھ حکومت جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے خیر محمد صاحب ہیں آپ جواب دینا چاہیں گے ادی نصیبہ آپ اس کا جواب دیں نا لوکل ہماری جو ہے یا میں جواب دوں میں جواب دے دیتی ہوں دیکھیں سندھ حکومت میں جو کارکردگی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بہت بڑا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یہاں کے اگر آپ سڑکیں دیکھ لیں آپ ہیلتھ سسٹم اپ گریڈ دیکھ لیں کئی ایسے ایشوز ہیں جو ابھی کرنا باقی ہیں لیکن بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ کوسچن کرنا چاہیے کہ کیا سندھ کا وفاق کے اوپر حق ہے یا نہیں ہے مجھے آپ بتائیں پچھلے 2-3 سال میں تو کہوں گی میں تو پچھلے کہ جب ہم اپوزیشن میں 7 سال سندھ اپوزیشن میں ہے تھی لیکن کیا اپوزیشن کا یہ حق نہیں ہے وہاں پر عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو وفاق کی طرف کوئی پروجیکٹس ملے تو ہم لوگوں کو تو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ لاڑکانے کے لوگوں کو پچھلے 7 سال میں یا پچھلے 3 سال میں وفاق کی طرف سے کیا ملا ہے جو چیز ملی ہے لائف سٹاک کی اگر بلڈنگز موجود ہیں سٹاف نہیں ہیں لیکن بلڈنگز سندھ حکومت نے دی ہیں ہسپتال آپ کو سندھ حکومت نے دی ہیں سڑکیں آپ کو سندھ حکومت میں دی ہیں وفاق کی نشانیاں کہاں ہیں تو ہمیں اس وقت ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے کہ سندھ کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو وفاق سے حصے ملے باقی صوبوں کو بھی ان کے حصے ملے ہمارے حصے یہ ضبط کر کے یہ اے ٹی ایمز کی جیبیں بھر رہے ہیں اور وہ اے ٹی ایمز ان کو فنڈ دے رہے ہیں اس سے یہ شوکت خانم بنا رہے ہیں اچھا یہ بتا دیں میڈم آپ سے بھائی نے بھی سوال کیا پران صاحب نے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ چھوٹے چھوٹے معاملات جھنڈے اتارنے پمپسٹ اتارنے کے اعتراضات بلاول بھٹو کی نالج میں بھی ہے کہ جے یو آئی کی طرف سے مختلف الیگل فرمائشیں کی گئی جن کی وجہ سے جو ہے چیئرمین صاحب بھی ناراض ہوئے آپ کی نالج میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمیں ہمارے پاس سبوت بھی موجود ہے سمرو برادران جو بلاول بھٹو کا مقابلہ کرتے ہیں لڑکا نہ ان کی طرف سے مولانا کو منع کیا گیا کہ آپ 27 تاریخ کے جلسے میں نہ جائیں تو آپ لوگ کیوں اس بات کو چھپا رہے ہیں آپ لوگ کیوں اعتراف نہیں کر رہے پی ڈی ایم آپ کی وہ آپ کے جو اختلافات ہیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے وہ کھل کر سامنے آ گئے آپ لوگ اس کا اعتراف کیوں نہیں کر رہے دیکھیں جہاں ہمارے مقاصد آپ دیکھ لیں ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ پول پر جھنڈا کس کا لگے گا یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی آئینی جمہوریت بحال کریں ہمارے بہت بڑے مقاصد ہیں بہت بڑے عزائم ہیں بہت لمبی جدوجہد چرنی ہے اور یہ چھوٹے لوکل لیول کے ایشوز جو ہیں وہ روزانہ ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کو سکینڈلائز کریں یہ
गॉसिप हो सकती है लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान वज़ीर आज़म है वो मुसलसल यही कह रहा है कि जो पीडीएम की क़यादत है वो लोगों का गुला है क्या, और उनका कहना है कि हम कभी इनको एनआरओ नहीं देंगे, तो क्या ऐसा कोई मामला है वो कह रहा है एनआरओ नहीं देंगे? देखिए, अब मैंने इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में ही कहा है कि जो वजीर आजम माजी में कंटेनर पर चढ़ के कहता था कि जो एमनेस्टी स्कीम लेता है वो चोर है, वो लुटेरा है, ये वजीर आजम कठपुतली जिस जगह पर रह रहा है उसके ऊपर वो जो पैसे उसने डिक्लेयर किए हैं वो एक एमनेस्टी के जरिए, तो वो खुद चोर है, वो लुटेरा है, उसके इसके अली बाबा और 40 चोर हैं और इनकी करप्शन की कहानियों के लिए आपको एक अलिफ लैला चाहिए। तो ये हालात है इस हुकूमत के, आपको पता है ये बीआरटी गौर इंकलाबी साहब क्या आप इनको बीआरटी का दास्तान सुना दें कि हर बस धक्का स्टार्ट, हर बस की गैस ऊपर निकलती है जैसे ही उसको धक्का मिलता है और आग लग जाती है। जो प्रोजेक्ट 41 बिलियन का था अभी 127 बिलियन तक पहुंच गया है, वहां पर उन्होंने इसकी इंक्वायरी पर स्टे ली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी ऑर्डर किया है और एफआईए को कहा है, इन लोगों ने इस पे तकरीबन 4 साल में एक स्टे ली हुई है, अभी जो शुरू किया वो चिन करके शुरू किया हुआ है। ये एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट सुन ले आप जी नवाब जरा सा बता दें। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उन्होंने ये किया है दावा हमारा कि पाकिस्तान में इस वक्त 72 सालों में सबसे ज्यादा करप्शन अब हो रही है, तो यहाँ पर आप देख लें कि इनके करप्शन के जो इन्होंने रिकॉर्ड लगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।